स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सेल में सिनेरियो मैनेजर, ठीक है ना। जैसे हम लोग कोई लोन लेते हैं, लोन अमाउंट, ठीक है ना, तो उस लोन को चुकता करना होता है, वापस करना होता है, तो उसके लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है ना, उसका कोई रेट होता है ना, रेट। और उसके बाद जैसे कि इंटरेस्ट, हाँ जैसे कि इंटरेस्ट, ठीक है, तो इंटरेस्ट के साथ हम लोग उस लोन को क्या करते हैं, वापस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, ठीक है, मान के चलिए हमारा कोई 1 लाख रुपये का बाइक हमने फाइनेंस कराया, ठीक है, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। टाइम इसका था 2 साल का, है ना, हम नोट्स के हिसाब से चलते हैं, मान लीजिए 5 ईयर में हमको इसको वापस करना है, ठीक है ना। और रेट क्या रहेगा इसका, 10%, सपोज 10% रेट है अभी मार्केट रेट, जो भी है हर समय अलग अलग होता है, ये 10% एक एग्जाम्पल ले लिए, है ना। अब हम लोगों को निकालना क्या है कि इंस्टॉलमेंट हमारा महीने का कितना गिरेगा, तो इसमें क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐड करता है, सिंपल इंटरेस्ट पे तो ऐड करता नहीं, 1 लाख का ऐड है, सॉरी 1 लाख का लोन है, तो 1 साल में 10% है, मतलब 1,10,000 का, तो वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट इसमें ऐड होता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट भरते जाते हैं वो क्या होता जाता है, लेस होता जाता है अमाउंट हमारा, ठीक है ना। तो जानना हम लोग इसमें है सिनेरियो मैनेजर में कि हमारा इंस्टॉलमेंट क्या आएगा किसी अमाउंट के लिए, ठीक है ना, उसका भी एक फॉर्मूला है, हाँ फार्मूला के साथ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, जैसे इज इक्वल टू इसका फार्मूला है इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए, कोई भी अगर हम लोग फार्मूला डालते हैं तो इज इक्वल टू कंपलसरी है, ठीक है, इज इक्वल टू एक्सेल के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू सिर्फ एक्सेल में या किसी और में, नहीं एक्सेल, ओनली एक्सेल, ओनली एक्सेल, है ना, इज इक्वल टू PMT, मतलब पर मंथ, हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। हम लोगों को रेट देना है, रेट ये है हमारा, रेट का एड्रेस क्या है, C2, है ना, दैट मीन्स क्या 10%, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है, 12 महीना होता है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा देंगे, अगला कंडीशन लिखेंगे क्या, टाइम, है ना, इस टाइम को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेरिक सिंबल मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ 12 से होगा, हाँ 12 से, 12 नहीं मतलब B2 से होगा, ये सर 12 क्या चीज़, ये 12 मतलब वही हो गया B2 हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, कॉमा देंगे, ठीक है। अब हमारा जो अमाउंट रहेगा ना लोन अमाउंट कितने का है, 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, ये लिखेंगे, मतलब A2, इसका एड्रेस क्या हो गया, A2, A2 लिखे या 1 लाख रुपये लिखे, बात बराबर, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और क्या कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे देखिए माइनस में आ रहा है रुपया, ठीक है ना, और डेसिमल है ना, मतलब 2124 रुपीज़ एंड 70 पैसा, ठीक है। तो इसको हम लोग सुधारने के लिए क्या करेंगे, फोन में जाएंगे, फोन से नंबर लॉन्चर में जाएंगे, ठीक है, खुल रहा है, नंबर लॉन्चर में जैसे गए हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग चूज़ करेंगे ये सिंपल वाला, ठीक है ना, नेगेटिव वाला को वाला, ये जो कस्टम का जो यूज है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला यूज़ करेंगे और यहाँ से डेसिमल प्लेसेस को हटा के 0 कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 124 है तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो, ठीक है ना, क्योंकि ये 50% से ऊपर है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, तो क्या हो गया, 2125 रुपये हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट से पैसा के लिए, हाँ अगर हमारा 1 लाख का लोन है उसको हम लोग 5 साल में भर रहे हैं, ठीक है ना, तो 10% के रेट से, है ना, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आएगा, 2125, यहाँ पे जो उसका पहुँच जाएगा उसके बाद भर लेगा, उसके आगे जो रहेगा नहीं, उसमें चेंजेस आएगा, वो चेंजेस आएगा क्योंकि हमने डेसिमल हटा दिया, ठीक है ना, और यहाँ नेगेटिव का जो सिंबल आ रहा था उसको वहाँ से हम लोग नंबर ऑप्शन से जाके पॉजिटिव कर दिए, ठीक है। अब क्या है ना, अभी हम लोग सिनेरियो चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अभी क्या है, एक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, है ना, फॉर्मूला के थ्रू, और इंस्टॉलमेंट निकालना सीखें, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करते हैं सिनेरियो मैनेजर का, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग इस तीनों वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, लोन टाइम एंड रेट वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग डेटा में जाते हैं, डेटा से हम लोग को पढ़ना है क्या, सिनेरियो मैनेजर, ठीक है, तो सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। सिनेरियो मैनेजर मतलब क्या, एक लोन तो हम लोग लिए हुए हैं, अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग बैंक में गए हैं, ठीक है ना, तो ऑलरेडी हम लोग बैंक से ही फाइनेंस कराए हैं अपना बाइक, होता है प्राइवेट कंपनी भी फाइनेंस करता है या बैंक करता है, तो मान लीजिए हमने बैंक से कराया था, ठीक है ना,
अब क्या है कि हम मैनेजर को बोलते हैं कि सर एक हमारा एक फ्लैट ठीक है फाइनेंस कर दीजिए, ठीक है, तो वो क्या है आपका इनकम देखेगा, ठीक है ना, इनकम देखेगा, मान लीजिए आप महीने का 1 लाख रुपये कमाते हैं, ठीक है, तो वो देखेगा कि आप किस तरह से पैसा भर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, इंस्टॉलमेंट निकालना है। अगर 50 लाख का फ्लैट है, अगर हम उसको 20 या 30 साल में भरते हैं तो हमारा महीने का इंस्टॉलमेंट कितना आएगा और वो हमारे सैलरी से क्या होगा, कटता जाएगा, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, कोई भी ऑफिस में जाए वो सैलरी कटेगा कि वो अपने से जा कर के नहीं दे सकता है, या फिर अगर आप अकाउंट अटैच करते हैं तो आपका सैलरी ऑटोमेटिक डिडक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एक हम लोग लोन लेना चाह रहे हैं क्या, हाउसिंग लोन, ठीक है, यहाँ से क्या करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है ना। अब सिनेरियो डालते हैं, मान लीजिए वो जो था हमारा 45 लाख का था, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 45 लाख का क्या था, फ्लैट था, बीच में हमारा क्या था, यहाँ पे टाइम था, ठीक है ना, टाइम था, तो हम लोग यहाँ पे टाइम डालेंगे। अगर 45 लाख को हम लोग कम समय में भरेंगे तो इंस्टॉलमेंट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इसको हम लोग थोड़ा लॉन्ग टर्म लोन कर देते हैं ना, 30 ईयर कर देते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ़ इंटरेस्ट मान के चलिए अभी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.30% है, सॉरी 8.50% है, ठीक है, 8.5%, तो हम लोग यहाँ पे 8.5% लिखेंगे, 8.5 लिखेंगे, साथ में परसेंट लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से, हाँ चलिए एक हम लोग फ्लैट में नहीं है, अब एक कार भी चाहिए, ठीक है ना, बोले चलिए ठीक है एक कार का भी ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ऐड करते हैं, कौन सा कार चाहिए, सपोज़ मान लीजिए एक टाटा का कोई भी कार है ना, यहाँ से क्या करते हैं, ओके करते हैं, ठीक है ना। मान के चलिए 12 लाख रुपये का कार था, ठीक है ना, और इसको हम लोग भरना चाहते हैं मोटा मोटी 10 साल धीरे धीरे आराम से, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए 12% चल रहा है मार्केट में अभी, ठीक है, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा 2 लोन हुआ, एक लोन पहले से चल रहा था 1 लाख रुपये का, ठीक है ना, एंड इसको क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे यहाँ से, हम लोग समरी चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारा क्या आएगा, एंड ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमारा समरी आया, सिनेरियो समरी आया, क्या ये हमारा प्रीवियस लोन था 1 लाख पे, क्या था 5 साल में भरना था, है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 10%, तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आ रहा था, 2125। इसी तरह से हमने 45 लाख का लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, यहाँ लिखा है, और ड्यूरेशन क्या था, कितने दिन में हम लोगों को भरना था, 30 ईयर में, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलिए 9%, है ना, तो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या आ रहा है हमारा, 34,001, ठीक है। उसके बाद हमने कार लिया था 12 लाख का, ठीक है ना, और ड्यूरेशन था 10 ईयर का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 12% था, ठीक है। तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ रहा है कितना, हाँ ठीक है, क्योंकि ये 30 साल का है और ये 10 साल का लोन है, तो 10 साल का लोन है तो थोड़ा ज़्यादा भरना पड़ेगा ना, क्योंकि जब भी लोन ख़त्म होगा वो, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको सारा को सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको टोटल करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है, 42। कहने का मतलब क्या है कि आपका इनकम भी होना चाहिए उस तरीके से, मान के चलिए मोटा मोटी अगर आपका 1 लाख रुपया महीने का सैलरी आता है अकाउंट में, मतलब नेट प्रॉफिट इनकम है ना, नेट प्रॉफिट 53,942 है, ठीक है, तो ये आपका लोन क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। आपको आप क्या कर सकते हैं, लोन को भर सकते हैं, ठीक है, चुका सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, सैलरी मैनेजर समरी बनाए, ठीक है, थैंक यू।